नमस्कार, अर्थप्रकाश टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अलीशा जुनेजा। हरियाणा विधानसभा चुनाव सर पर है, वहीं हर पार्टी अपने दाव पेच लड़ने में आगे निकलने के प्रयास कर रही है। वहीं पिछले दिनों की बात करें तो भाजपा के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस में बड़े बदलाव देखने को भी मिले हैं। कांग्रेस के द्वारा लिए गए फैसलों ने ऐसा लगता है कि चुनावों के समीकरणों में कुछ हलचल पैदा कर दी है। वहीं आज उस बदलाव की बात करें तो उसमें एक नाम निकल कर आया है। जी हां, हिसार में दलित परिवार में जन्मी वो नेत्री कोई और नहीं, कांग्रेस का वो खिलता चेहरा वरिष्ठ नेत्री कुमारी शैलजा हैं, जिन्होंने कांग्रेस हाई कमान ने हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर दी है। कुमारी शैलजा के बारे में बात करें तो अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1990 में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनने से की। वे 10वीं लोकसभा के चुनाव में हरियाणा के सिरसा लोकसभा क्षेत्र से चुनी गई। नरसिंह राव की सरकार में वे शिक्षा एवं संस्कृति मामलों की राज्य मंत्री बनी। 1996 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के काफी खराब प्रदर्शन के बावजूद कुमारी शैलजा फिर से चुनी गई। 2004 के आम चुनावों में उन्होंने अंबाला लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और बाद में केंद्रीय राज्य मंत्री बनी। बुधवार को कुमारी शैलजा ने चंडीगढ़ एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। चलिए आपको दिखाते हैं। ये तो नगरी हो गई है कि यहाँ पर अलग अलग वो लगे हुए हैं तंबू और सब लोग अपनी अपनी बात को लेकर वहाँ हैं। अब उनसे बातचीत करना तो दूर, उनकी बातों को संवेदनशीलता से सुनना तो दूर, उल्टा उनको दौड़ा रहे हैं और लाठीचार्ज कर रहे हैं। तो ये कैसी सरकार है? बिल्कुल तानाशाह सरकार है ये, किसी की बात सुनना नहीं चाहती है, किसी वर्ग की भी। सारे कर्मचारी वर्ग आज के दिन हड़ताल पर है, लेकिन उनकी बात कोई हल निकालने का इनका कोई मानती है कि सीएम साहब के पास टाइम ही नहीं है। ये कारण क्या मानते हैं सरकार एटीट्यूड में? दो चीज़ें हैं, टाइम कैसे होगा, वो तो अपने रथ पे घूम रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, उनकी मंशा ही नहीं है तानाशाह ढंग से चलाना है उन्हों की। जो हमने कह दिया ठीक है, और अगर नज़दीक आओगे कुछ और कहोगे तो भाई फरसा है मेरे हाथ में, हैं तुम्हारी गर्दन और मेरा फरसा। तो किसी की बात तो सुननी नहीं है इन्होंने, इसीलिए 75+ लेके चल रहे हैं। 75+ इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि हवा में है, हवा में है। असली मुद्दे पहचान नहीं रहे कि ज़मीन पर आओगे तो पता चल जाएगा आपको कि कोई भी वर्ग आपसे खुश नहीं है। आप देख लीजिए हमारा जो आम लोग, आप बता दो, आप भी अपना स्कूटर मोटरसाइकिल गाड़ी जो भी लेकर आते हो, आज के दिन आप में दहशत है कि नहीं है? कभी किसी को पकड़ लेंगे, कभी किसी को पकड़ लेंगे, लाखों रुपया फाइन लगा देंगे, हज़ारों रुपया फाइन लगा देंगे। तो लोग तो कह रहे हैं जी पुलिस वालों को देखो और अपने स्कूटर से नीचे उतर जाओ और पैदल चलो। यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो इसको माफ़ किया जाएगा? बिल्कुल ना, हमारी सरकार बिल्कुल ऐसे कैसे, इसको लोगों की आवाज़ सुननी पड़ेगी। मेरे एक के मन में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं लोगों की आवाज़ नहीं सुन सकती तो मेरे को जनता का रिप्रेजेंटेटिव, जनता का प्रतिनिधि होने का कोई हक नहीं है। लोगों को, ट्रैफिक को डिसिप्लिन करना एक बात थी, लेकिन पैसे इकट्ठे करना सरकार का काम? ये तो इनका दिवालियापन है, तरीके ढूंढ रहे हैं पैसे इकट्ठे करने के। सरकार का दिवालिया निकला हुआ है। चुनाव की आचार संहिता जो है वो अभी तक नहीं लगी है प्रदेश में या अन्य राज्यों में जहाँ चुनाव होने हैं, क्या लगता है सरकार जो है वो चुनाव को और लंबा करके अपना प्रचार मजबूत करिए, क्या मानते हैं आप? देखो ये कितना ही लंबा कर लें, इनको पता है कि बहुत खामियाँ हैं, इसलिए कोशिश कर रहे हैं सरकार ने की, लेकिन कितने दिन करेंगे, कितने दिन करेंगे और क्या कर लेंगे आखिर में? जो 5 साल नहीं किया, अब ये क्या सोच रहे हैं कि क्या करके दिखा देंगे जनता को? जनता सबकी, इनकी सारी बात समझती है कि ये जो 75 जो भी लग रहे हैं करने, सब खोखला है। हर वायदे की तरह इनका ये भी स्लोगन खोखला है। मैडम जी, हरियाणा में जो कांग्रेस में चीज़ें जो दुरुस्त करने की कोशिश की गई है, ये आपको लगता है कि ये अगर कुछ समय पहले होते तो बेहतर होता, क्योंकि आप लोगों को काम करने का भी एक उतना समय मिल जाता है? आप ये मानते हैं, कुछ महसूस करते हैं इस तरह का? पहले अगर हो जाता तो थोड़ा और टाइम मिलता, ठीक है, लेकिन हमारे वर्कर तो वही हैं। अब हम थोड़े शॉर्ट टाइम में सबको एक्टिवेट कर रहे हैं और लोगों में बड़ा उत्साह है कि इतना कम समय में भी आप बदलाव देख लीजिए।
लोगों में भी और वर्करों में भी। तो अब समय के साथ जो लोगों की बात है, जनता की जो आवाज़ है, उसको हमारी पार्टी उठाते हुए लोगों के बीच में जा रही है, जगह जगह जा रही है। यानी ये खामी थी जिसे दूर करना चाहिए था पहले ही। मैम आपके जो मैडम एक फॉर्म आपने निकाला है, आपके जो विपक्षी नेता है वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा में 6 जगह पर अभी तक कांग्रेस गई है जिन संसदीय क्षेत्र में। शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा साथ मिलकर चल रहे हैं, लेकिन किरण चौधरी और अशोक तंवर अभी भी नाराज हैं और वो एकजुट करने की जो तैयारी थी वो नहीं है। ये ना मीडिया कब तक इन चीज़ों को करता रहेगा हमारे खिलाफ? कोई ऐसी बात नहीं है, अब चुनाव आ रहा है, सब बिजी हैं अपने अपने काम में, जो जहाँ ज्वाइन कर सकता है वो ज्वाइन कर लेते हैं, नहीं तो आगे किसी कार्यक्रम में ज्वाइन कर लेंगे। हैं तो सभी पार्टी का हिस्सा ना, कांग्रेस का हिस्सा, और जहाँ भी जा रहे हैं कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तिरंगे की बात हो रही है, तिरंगे के नीचे बात हो रही है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। टीचरों की कुछ वीडियोज़ आ रही हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि जब चुनाव होगा तो हम जो विधायक हैं मौजूदा, जब मंत्री हैं, उनको गाँव में बढ़ने नहीं देंगे। किस तरह आप इसको देखती हैं? टीचर्स के साथ तो जो इन्होंने भद्दा मजाक किया है अपने मैनिफेस्टो में, इन्होंने क्या कहा, 5 साल निकल गए, उनकी कोई भी बात को ये पूरा नहीं कर रहे। टीचर्स को अपॉइंटमेंट जिनको दी उनको ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। संस्कृत टीचर्स, ये संस्कृति बचाने की बात करते हैं, जो पार्ट टाइमर्स हैं, कंप्यूटर टीचर्स हैं, सबको इन्होंने झूठे झांसे पे झांसे दिए हैं। और आज के दिन जबकि इनकी मांगें पूरी हो जानी चाहिए थी, उसकी जगह उनको लाठियां पड़ रही हैं। टिकट के लिए जो आवेदन है, एक टिकट के लिए जो आवेदन है उसके लिए एक फॉर्म निकाला गया बाकायदा, दरअसल उसमें क्या क्या मांगा जा रहा है और जो लोग टिकट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज है आप लोग? और कब तक आपको मैसेज वो उस फॉर्म में अपना भर कर दें। और हमारी फीस भी है 5,000 रुपया जनरल कैटेगरी के लिए और 2,000 रुपया एससी कैटेगरी के लिए है, वो फीस भी जमा करेंगे और उस फॉर्मेट में अपना आवेदन दे। पिछले समय माना जा रहा था कि कांग्रेस का फंडिंग की कमी थी, क्योंकि जो पिछले ट्रेजरार थे वो काफ़ी समय से कहते रहे कि विधायक उनको फंड नहीं दे रहे, पूर्व विधायक उनको फंड नहीं दे रहे, सांसद उनको फंड, तो अभी क्या लगता है कांग्रेस का क्या फंडिंग है? और जो नहीं, नहीं, नंबर वन सांसद अपना फंड देते हैं सेंट्रल, उसमें हमेशा होता है। मैम जो देश में आर्थिक मंदी के हालात बने हैं उसे किस तरीके से देखती हैं आप? आर्थिक मंदी तो इन्होंने शुरू कर दी नोटबंदी से, गलत नीतियों से, और उसके बाद जिस तरह से इन्होंने जीएसटी को आनन फानन में लागू किया, प्लीज़ याद कर लीजिए कि एक बार हुआ था मिडनाइट सेशन आज़ादी के समय, मिडनाइट सेशन इनके समय में, बीजेपी के समय में किया है इन्होंने जीएसटी के लिए। ऐसी कौन सी बात थी, ऐसा कौन सा भूचाल लाने वाले थे ये देश के लिए? भूचाल आ गया आर्थिक मंदी का, अब देश को इससे उभरने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। सरकार खुद पैसे ले रही है आरबीआई से। आगे आप देख लीजिए कि क्या दिवालियापन निकलने वाला है। प्राइवेट सेक्टर ख़त्म होता जा रहा है, सरकार को पैसे बोरो करने पड़ रहे हैं, नौकरियां हैं नहीं, प्राइवेट सेक्टर ख़त्म हो रहा है, निवेश आ नहीं रहा, अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा पर है, बढ़ती जा रही है, तो देश को ये क्या सौगात देंगे? आम आदमी को ये इम्पैक्ट कर रहा है। अब देखिएगा जो गृहिणी है उसके लिए क्या क्या हाल हो जाएगा, जो कमाई कर रहा है वो ख़त्म हो रही है, उसकी नौकरियों में आप देख रहे हैं कि नौकरियां ख़त्म किए जा रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां ख़त्म हो रही हैं, नहीं मिलना तो दूर की बात है, सरकारी में भी ख़त्म होते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं ये नौकरियाँ, छोटे छोटे उद्योग या दुकानदार या कोई भी, वो सब जैसे जैसे ये ख़त्म होता जाएगा, देश के सामने एक बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति आ रही है, उसका नमूना आप देख रहे हैं। चुनावों की डेट कभी भी डिक्लेयर हो सकती है, आचार संहिता लग सकती है, आपकी क्या तैयारी है, नई जिम्मेदारी है और पहली सूची आपकी कब तक आ जाएगी? हमारी प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग अब हम शीघ्र करेंगे, उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और फिर हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को जाते हैं नाम, तो ये हमारा एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है जो करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि हम जल्दी इसको पूरा। मैम सरकार पीओके को लेकर काफ़ी ज़्यादा गंभीर नज़र आ रही है और इस तरह की बयानबाजी जो है वो लगातार आ रही है मंत्रियों की कि पीओके को हम कब्जे में लेकर रहेंगे, कांग्रेस इसको किस तरह से देखती है? मैम दोनों देशों की इस पर तो पूरा हमारी पार्टी का तो हमेशा से स्टैंड रहा है, पीओके हमने नाम दिया है कि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये हमारा हिस्सा है, हमारी कश्मीर का हिस्सा है, पीओके उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है,
तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं, कांग्रेस साथ खड़ी है सरकार, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। ये सरकार तो अब आई है सत्ता में, हम तो पहले से ही कह रहे हैं। मैडम, कश्मीर और लद्दाख को लेकर के प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि 70 सालों में जो नहीं हो पाया वो बीजेपी ने कर दिखाया, आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में यही मुद्दा लेकर के फिर वो जहाँ जहाँ विधानसभा चुनाव उतरेंगे और ये कहेंगे 70 सालों का इतिहास हमने तोड़ा और कर दिखाया, आप पार्टी ने भी कोई रणनीति तैयार की कि उसका जवाब कैसे देना है? देखिए, उनकी कुछ जब उनके पास कुछ होता नहीं, राज्य सरकार की अपनी कारगुजारी, जहाँ उनकी सरकार है वो अपने काम पर क्यों नहीं वोट मांग रहे? हमारा तो उनसे सवाल है, और आप भी कृपया इस सरकार से पूछिए कि आप असली मुद्दों पर क्यों नहीं आ रहे हैं आज। उससे यहाँ हरियाणा के युवा का क्या लेना देना? हरियाणा के युवा को कम से कम इतना पैसा तो उसके हाथ में आए कि वो जाके कहीं ज़मीन खरीदने लायक हो। तो इस तरह की बातों का कोई मायने नहीं है। हमारे हरियाणा की बात करो, हरियाणा के किसानों की बात करो, हरियाणा के गरीबों की, युवाओं की बात करो, महिला सुरक्षा की बात करो, क्यों नहीं उनकी बात करते हैं वो? क्यों ऐसे ऐसे मुद्दे लेकर आ रहे हैं यहाँ पे राज्य में? इस तरह की बात नहीं चलेगी, और यहाँ की जनता जवाब मांगेगी इस सरकार। सीएम साहब कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छी है हरियाणा के। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर तो उनकी नज़र में अच्छी है, क्योंकि उनको असलियत दिखती नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर आप देख लीजिए, क्राइम ग्राफ हमारा बढ़ता गया है और आज टॉप ऑफ द लिस्ट है हमारा क्राइम हरियाणा में। क्या इसके लिए हमको गर्व होना चाहिए? जहाँ भी आप देखिए क्राइम बढ़ता जा रहा है, और ये तो आंकड़े हैं, क्राइम बढ़ता जा रहा है, कोई सुरक्षित नहीं अपने आप को महसूस कर रहा। बेरोजगारी के आंकड़े क्या बताते हैं कि हरियाणा टॉप पर? टॉप हरियाणा है बेरोजगारी में, नंबर वन पर। ये देन है भारतीय जनता पार्टी सरकार की, युवाओं को खास करके, और उनके माता पिता को, इसलिए क्योंकि माता पिता कुछ आस रखते हैं अपने बच्चों से, उनको पढ़ा लिखा के बड़ा करते हैं कि बच्चों को नौकरी मिलेगी, लेकिन जब कुछ हो नहीं रहा, इतनी मंदी ये ले आए हैं और गलत नीतियां हैं इनकी, नौकरियां कहाँ मिलेंगी? नंबर वन हो गया हरियाणा अनएम्प्लॉयमेंट। नई टीम के आने से क्या इम्प्रूवमेंट मानते आप कांग्रेस में? कांग्रेस पार्टी सभी लोग मिलकर करते हैं, ये एक बदलाव होता है कांग्रेस पार्टी का कि कभी कोई मुखिया बनता है, कभी कोई मुखिया बनता है, तो ये उसका एक हिस्सा है। कल कोई और था, आज मैं हूँ, कल कोई और होगा, ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।